अभी तक आपने सिर्फ खून का रंग लाल सुना होगा, लेकिन आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी जीव है जिसका खून नीला भी होता है? चौंक गए ना? जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा भी जीव है जिसके खून का रंग नीला होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक जीव के 1 लीटर खून की कीमत 11 लाख रुपए से भी अधिक है, और इस जीव का नाम हॉर्स शू है। यह एक दुर्लभ प्रजाति का केकड़ा है जो पृथ्वी पर कम से कम 45 करोड़ साल से है। यह केकड़ा अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में बसंत ऋतु में मई जून के माह में दिखाई देते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि पूर्णिमा के वक्त हार्ड डाइट में यह समुद्र की सतह पर आ जाता है। इस जीव का खून अंतरराष्ट्रीय बाजार में 11 लाख रुपए तक बिकता है। यह दुनिया का सबसे महंगा तरल पदार्थ भी कहा जाता है। इस जीव के खून का इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए किया जाता है। हर साल 5 करोड़ अटलांटिक हॉर्स शू केकड़ों का इस्तेमाल मेडिकल कामों में होता है। वैज्ञानिक के अनुसार हॉर्स शू केकड़े के नीले खून में तांबा मौजूद होता है। साथ ही एक खास रसायन होता है जो किसी बैक्टीरिया के आसपास जमा हो जाता है और उसकी पहचान करता है। हॉर्स शू केकड़े का खून उसके दिल के पास छेद करके निकाला जाता है। एक केकड़े से 30% खून निकाला जाता है, फिर उन्हें वापस समंदर में छोड़ दिया जाता है। 10-30% केकड़े खून निकालने की प्रक्रियाएं मारे जाते हैं। इसके बाद बचे मादा केकड़ों को प्रजनन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिओम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑल इन वन वीडियो। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, हीरा कठोर होता है फिर भी इसे मखमल के कपड़े में लपेट कर क्यों रखा जाता है? हीरा प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर वस्तु है, परंतु कठोर और आघात वर्धन होने में बहुत अंतर है। यह फिल्मी ज्ञान है कि हीरे पर हथौड़ा मारने पर हीरा नहीं टूटेगा, क्योंकि वह सबसे कठोर वस्तु है। जबकि आप ऐसा करके देख ले, हीरा ही टूटेगा क्योंकि वह कठोर है, आघात वर्धन नहीं। आघात वर्धन का अर्थ होता है कोई ऐसी वस्तु जो चोट को सहकर भी टूटे ना बल्कि फैल जाए। लोहे में आघात वर्धन गुण होता है, परंतु हीरे में नहीं होता। हीरा अधिक कठोर होता है, इसका अर्थ आप हीरे से लोहे को काट सकते हैं, पर लोहे की आरी से हीरे को नहीं काट पाएंगे। इसलिए अधिकतर मशीनी आरियों के किनारों पर हीरा लगाया जाता है। आप लोहे से हीरे को तोड़ तो सकते हैं पर काट नहीं सकते, क्योंकि हीरा सबसे कठोर वस्तु है पर आघात वर्धन में नहीं। इसलिए इसे मखमल में रखते हैं ताकि कहीं यह बक्से में चोट लगकर टूट ना जाए, क्योंकि यदि उसका कोई भी कोना टूटा तो पूरी कारीगरी खराब हो जाएगी। वैसे हीरे में आघात वर्धनता इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें घनत्व आबंध नहीं होते। हीरे को लोहे से तोड़ा जा सकता है, लेकिन तरासे हीरे को सामान्य हथौड़ी से तोड़ना उतना ही मुश्किल है। हीरे के सभी तल समान रूप से कठोर नहीं होते, कारीगर तराशते हुए उसके कमजोर तलों को कम कर देता है। फैक्ट नंबर 3, बायो अर्बन पेड़। ये रोबोटिक पेड़ कई सारे असली पेड़ों के बराबर साफ हवा देता है। मेक्सिको के इंजीनियरों ने एक ऐसा रोबोटिक पेड़ तैयार किया है जिसका नाम बायो अर्बन है। यह पेड़ हर रोज 2,890 लोगों के लिए शुद्ध हवा तैयार करता है। मेक्सिको सिटी प्रदूषण के बारे में सब जानता है। कभी कभी शहर, कारों, उद्योग, यहाँ तक कि पास के ज्वालामुखी पोपो कैट पेटल के धुएं से पंगु हो जाता है। गंदगी से लड़ने के साधन के रूप में इंजीनियरों के एक समूह ने एक नया प्रस्ताव रखा है। बायोटेक और डब किए गए बायो अर्बन द्वारा निर्मित परियोजना एक प्रकार का कृत्रिम पेड़ बनाती है, प्राकृतिक साथियों की तरह प्रदूषण को अवशोषित करती है और पर्यावरण को स्वच्छ हवा लौटाती है। यह आविष्कार विशेष रूप से उन लोगों के लिए आशाजनक लगता है जो वरिष्ठ नागरिकों, पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों जैसे वायु प्रदूषण के साथ सबसे अधिक संघर्ष करते हैं। बायो अर्बन रोबोट पेड़ के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो प्रदूषण को रोकता है। प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ उपयोग के माध्यम से रोबोट पेड़ एक प्राकृतिक पेड़ की हवा की सफाई की प्रक्रिया का अनुकरण करता है। इस रोबोट में एक धातु संरचना है, माइक्रो सैवाल का उपयोग करके यह गंदी हवा लेती है
और हमारे प्रकाश संश्लेषण को दैनिक रूप से वायुमंडल में वापस लाने के लिए ले जाती है जितना कि इसे छोड़ दिया है। परियोजना के रचनाकारों के अनुसार बायो अर्बन रोबोट पेड़ 368 प्राकृतिक पेड़ों का काम कर सकता है। हाय दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।